Now, Faridabad has been put on red alert after the national capital. Faridabad is on a red alert after crossing the high level mark. In fact, remember, Yamuna has been overflowing, which is why several areas of Delhi have been flooded for the last several hours. And now Faridabad has also been put on red alert. तो जहाँ तक अगर हम यमुना की बात करें तो जिन जिन रास्तों से और जिन जिन सिटी से वो क्रॉस करते हैं वहाँ हर जगह पर रेड अलर्ट अभी फिलहाल घोषित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि अगर यमुना के स्तर के बारे में बात करें तो धीरे धीरे आज दोपहर 1 बजे से बताया जा रहा है कि जो वाटर लेवल है वो धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आएगा। सो दैट इज रिलीफ ऑन पार्ट ऑफ द दिल्लीआइट्स स्पेशली हु हैव बीन लिविंग एंड यमुना बैंक। लेट मी गो अक्रॉस टू ऐश्वर्या नाउ, क्योंकि ऐश्वर्या आप अपनी आंखों से वहाँ का हाल देख रहे हैं। अगर हम बात करें ना सिर्फ दिल्ली की NCR जिसमें फरीदाबाद भी आता है, वहाँ की स्थिति फिलहाल कैसी बनी हुई है, क्योंकि बताया जा रहा है कि थोड़े कुछ घंटों में शायद जो पानी का लेवल है वो धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, कुछ राहत की सांस जरूर ली है दिल्लीवासियों ने, क्योंकि इस जगह पर जहां हम खड़े थे पिछले 2 घंटे पहले यहां पर पूरी तरीके से पानी था, लेकिन अब थोड़ा पानी कम हो गया है। लेकिन फिर भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हम ITO पर हैं, ये नोएडा ईस्ट दिल्ली को सेंट्रल दिल्ली से कनेक्ट करता है, और आप पूरी तरीके से देख सकते हैं जिस तरीके से यमुना का स्तर लगातार बढ़ रहा था पिछले 2-3 दिन में, उसके बाद यहाँ पर पानी भर चुका है। ये यमुना का पानी है जो अब कॉलेजेस के अंदर, ITO के अंदर, ये आर्किटेक्चर कॉलेज है जहाँ पे फॉरेन स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं, वहाँ पर भी पानी भर चुका है और लोगों को यहाँ पर पैदल निकलना पड़ रहा है क्योंकि इस साइड का रास्ता बंद कर दिया गया है। लेकिन उस साइड भारी ट्रैफिक की स्थिति आपको नजर आएगी, क्योंकि ईस्ट दिल्ली से, नोएडा से जितना भी ट्रैफिक आता है सेंट्रल दिल्ली, वो यही ट्रैफिक कनेक्ट करता है और पूरी रोड पर पानी इस समय भर चुका है। लगातार यमुना का स्तर कल रात तक बढ़ रहा था, लेकिन आज कहीं ना कहीं ये अनुमान लगाया जा रहा है कि दोपहर के 3 या 4 बजे तक यमुना का स्तर थोड़ा कम होगा, जिसकी वजह से शायद जो रोड पर पानी आ गया है वो भी कम हो। लेकिन हाल फिलहाल लोगों को यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल साफ कहा था कि संडे तक प्राइवेट ऑफिसेस को, गवर्नमेंट ऑफिसेस को बंद करने के लिए वो अपील करेंगे। गवर्नमेंट ऑफिसेस को उन्होंने बंद कर दिए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनका कहना है कि उनको ऑफिस बुलाया गया है, वो ऑफिस जाने पर मजबूर है और इस समस्या से जूझ रहे हैं। इसका कौन जिम्मेदार है ये जनता प्रश्न कर रही है। लगातार आप देख सकते हैं नी तक वहाँ पर पानी भर चुका है और लोग साइड से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा जो ITO का रोड है वहाँ आगे एक पोल पर, इलेक्ट्रिक पोल पर करंट आया, जिसकी वजह से अब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। लोगों को वहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ा और इसीलिए जो दूसरी तरफ की रोड है वहाँ पर उसको पूरा बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया गया है। पुलिस की यहाँ पर बंदोबस्त भी है, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को आप देख सकते हैं वहाँ पर, वो साफ तौर पर लोगों को यहाँ से जाने के लिए मना भी कर रहे हैं। Okay, so thankfully the Delhi police are at the spot, but yesterday the commuters were left stranded, several residents as well stranded because of the flooded waters. Today as well, of course, traffic snarls are expected. Ashwarya, stay with us. Let's also play out this ground report coming in from Pulkit, and the story is similar there as well. Flooding continues, although there could be some respite in the coming hours. ये तस्वीर दिखा देता हूँ कि किस तरीके से लोग ITO के पास इस भरे हुए पानी के जरिए फुट ओवर ब्रिज की तरफ जा रहे हैं। तस्वीर का अर्थ मैं आपको समझा दूं, ये दिल्ली के ITO की तस्वीर है। दिल्ली के ITO पर इतने पानी होने का मतलब ये है कि लुटियन जोन, ये पीछे कैमरा पलटेगा तो आपको समझ में आएगा, प्रगति मैदान, राजीव चौक, इंडिया गेट, नई संसद, तमाम वो चीजें जहां, जिसे लुटियन जोन कहा जाता है, वहां पर जाना अब मुश्किल होगा। इसकी वजह यह है कि पहले से ही प्रगति मैदान बंद किया हुआ है, वो जो नया अंडरपास बनाया था, टनल बनाया था, वो बंद किया हुआ है और अब यमुना का पानी ITO तक आ चुका है। और यह तस्वीर आपको ये बता रही है कि अब से कुछ देर बाद ITO पर पहुंचना कितना मुश्किल होगा। उसकी वजह देखिए कि आपको यहाँ चारों तरफ वाहन ही वाहन नजर आएंगे और इन वाहनों की या होने की वजह यह है कि भारी पानी के बीच से निकल कर आए हैं, खराब हालत में है, यानी अब ITO पर यमुना का पानी और मुश्किल और ज्यादा
बढ़ गई है. Well, rescue operations in place when it comes to the low-lying areas that have been evacuated, and we are not just talking about the human beings as well. Even when it comes to the animals, the cattle that has also been removed. When it comes to the NDRF teams that have been pressed into service. Ashwarya, for the moment, thanks very much for joining in. We head into a short break. More ground reports coming up on the other side.